नमस्कार, आप देख रहे हैं ये एसटीवी और अब वक्त है यमुनानगर की कुछ मुख्य खबरों का। संचालक हाथ जोड़कर शिक्षा मंत्री से बोले कि अब कोचिंग सेंटर खोलने दे, वो कर्जदार हो गए हैं। चालकों के द्वारा कहा जा रहा है कि वो 4 माह से घर पर बैठे हैं, उनका भी परिवार है, बच्चे स्कूल और कॉलेज की फीस तो दे देंगे लेकिन ट्यूशन की फीस कोई नहीं देगा, क्योंकि यूट्यूब पे अब हर तरह की वीडियोज अवेलेबल है जिनसे वो अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। सरकार ने कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी स्कूल और कॉलेज की श्रेणी में ले लिया है, जो कि उनके मुताबिक गलत है। उन सब ने शिक्षा मंत्री से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि अब कोचिंग सेंटर्स खोलने की अनुमति दे दी जाए। अब रात 8 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें। दुकानदार व शोरूम संचालकों के लिए बहुत ही अच्छी और राहत भरी खबर आ रही है। डीसी मुकुल कुमार ने यह आदेश जारी किया है। अब रात को दुकानें बंद होने का समय 1 घंटे तक बढ़ा दिया गया है। अब दुकानें खुलने से बंद होने का समय सुबह 9 से 8 बजे तक का कर दिया गया है और ये सभी दुकानदारों के लिए बहुत ही फायदा देने वाली बात है। हरियाणा में भी घटेगा 9वीं से 12वीं तक का पाठ्यक्रम। CBSE की तर्ज पर हरियाणा के स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक का पाठ्यक्रम कम कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी ने बताया कि इस COVID-19 के दौरान सभी स्कूल कॉलेजेस बंद थे, जिस वजह से सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई उस तरीके से नहीं हो पा रही थी और उन पर मानसिक दबाव बन रहा था। इसीलिए अब CBSE की तर्ज पर हरियाणा के सभी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक का पाठ्यक्रम कम कर दिया जाएगा। तो ये थी अब तक की कुछ मुख्य खबरें। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें यस टीवी। नमस्कार।